इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बरात श्री अवधाई सबको विदा करके चक्रवर्ती जी महाराज संध्या वेला में आंगन में बैठे, बहू में बुलाई गई, बच्चे बैठे, माताएं बैठी। श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं, बधू लरिकनी पर घर आई राखो नयन पलक की ना। बहु में लड़िका हैं, पराए घर से आई हैं, दूसरे घर से आई हैं, एक इनका अपना घर है। यहां केवल एक अक्षर है से और में, पराए घर में आई हैं अथवा पराए घर से आई है, अर्थ एकदम उल्टा हो जाएगा। बधुलरिकनी पर घर में आई, पर घर से आई, ये अर्थ बदल गया। बेटी जब पिता के घर में रहती है मातृकुल में तो वो तपती है, पति के घर में जाती है वो उसका निज घर है, क्योंकि जीवन इसी निज घर में निर्वाह। और निज घर में बहुत संहार से वो सब साज सजाती है, व्यवस्थित करती है। ये हमारी परंपरा है, मान्यता है। और मैं बारंबार प्रार्थना करता हूं कि मान्यताएं मानने के लिए हैं, तोड़ने के लिए नहीं, इसलिए माना जाए। रावण क्या करता था, मान्यता नहीं मानता था, मां नहीं मां तो पिता नहीं साधुन सन कर वावही सेवा। जो मान्यता न माने वो असुर, शिव जी कहते हैं, जिनके यह आचरण भवानी ते जाने हु निश्चर सब प्राणी। मानना ही पड़ेगा, मान मेरा कहना फिर महाराज जी ने कहा ना, मान ले समय रहते मान ले, सब मानने का। एक बड़ा प्यारा गीत है, आज मैं देख रहा था, आई तो कहा ये पर घर से आई। अब ये इनका अपना घर है, इसको संभाल कर रखना। जैसे आंख की रक्षा पलकें करती, पलकें कैसे, चोट आंख में लग जाए तो पलकें उसका संभाल कर। देखिए आप, आंख के अंदर चोट एकदम कम लगती है कि पलकें आ जाती है, चोट यहां चली जाती है। पलकें ऐसे इनका संभाल करिएगा। और देखिए व्यक्ति कैसा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, यदि अपना बना लें तो उसके अंदर संस्कार अपने आप आ जाता है। अपना मानो बस, जिसको हम अपना मान लेंगे तो उसके सद्गुण और दुर्गुण सब हम अपना मान लेंगे। कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये आदमी अच्छा नहीं है, क्यों, इसमें सद्गुण नहीं है। अरे भैया, मनुष्य है ना, यदि हर मनुष्य सद्गुण संपन्न हो तो फिर हमारी आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। आदमी ये ढूंढता है कि अमुक में केवल सद्गुण होना चाहिए। अरे भाई, आप किसी को लेंगे तो केवल सद्गुण ही लेंगे तो उसका दुर्गुण कहाँ जाएगा। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, भगवान ब्रह्मा ने इस धरती पर गुण अवगुण मिलाकर धरा बनाया। दिन है तो रात है, पाप है पुण्य है, सुख है दुख है, ब्राह्मण है कसाई है, सबका विलोम और सम शब्द है। विष है तो अमृत है, उसी सरोवर में
कमल है तो जोंक भी है। उपजहि एक संग जग माही जलज जोंक जिम गुण। देखिए जलज और सरोवर में नहीं नहीं मैं थोड़ी सरोवर है तो ये ऐसा सिद्धांत सरोवर है सब केवल एक को नहीं हम सार सकते हैं सबको देखना होगा। नहीं तो केवल एक ही माने हम कि तो अच्छा होगा तो हमारा होगा। अरे भैया वो सुनाऊंगा। हाँ वो प्रसंग हमको स्मरण आ गया नहीं तो भूल जाऊंगा मैं। तो जो नौजवान को गांव के लोगों ने महात्मा जी को दिया था कि महाराज जी बड़ा परेशान करता पूरे गांव को तबाह कर रखा आप इसको ले जाइए। वो ले गए आश्रम पर और महाराज एक पक्ष के लिए चले गए तीर्थ यात्रा पर। लौट के जब महापुरुष आए तो आश्रमवासी महात्माओं ने परिकरों ने कहा कि महाराज अब या तो ये रहेंगे या तो हम लोग एक साथ सब आश्रम हड़ताल। अब भाई महात्मा को तो निकल नहीं रहता है लोक मंगल के लिए। साधु संत महापुरुष अपने लिए नहीं विचरण करते हैं जगत के मंगल के लिए विचरण करते हैं। हम घूमते हैं सबका मंगल होगा सबका भला करो भगवान। तो राज्य चक ठीक है जाओ भेजो आए। देखिए महापुरुष की शिक्षण की विधि दर्शन करिए। महाराज श्री ने कहा कि एक शिशी लाओ शिशी ले का इसके ढक्कन में छेद करो। छेद किया इसमें अचला फाड़ लो मेरा और बाती लगाओ। शिष्य का ढक्कन आपको स्मरण होगा जो लोग गांव के होंगे पहले लालटेन के पहले हम लोग दीपक से पढ़ते थे उसको ढीबरी बोलते हैं गांव अभी भी गांव में जलती है। तो लगा दिया ढक्कन में बाती भगत जी ने नए वाले भगत जी कहा दिया सलाई लाओ दिया सलाई लाए कहे जलाओ जलाए तो जले और बुझ जाए। तो नए वाले भगत जी बोले महाराज ऐसे थोड़ी जलेगा। उसकी जबान कड़क है सब आश्रम को एक साथ लपेट रखा है तो सामान्य आदमी तो है नहीं ऐसे आप भी महाराज क्या कोई बिना बुद्धि का काम करा रहे ये जलने वाला है। अरे भाई तो कैसे जलेगा इसको तो प्रकाशित करना चाहिए ना। बोले अरे महाराज क्या आपको भी हो गया है जब तक इसमें तेल नहीं पड़ेगा ये खाक नहीं जलेगा। महाराज ने कहा भाई बात तो तुमने बुद्धि की करी ये तो हमको पता ही नहीं था तेल डाल दे। और नया वाला भगत गया लाया तेल डाला और जलाया बड़ा प्रसन्न देखे और टहकार मार के जल गया। सदगुरु का शिक्षण दर्शन इस कथा में बड़ा अद्भुत है। उनका बेटा ये दीपक कितना बढ़िया जल रहा है कितना बढ़िया ये देखो कपड़े से प्रकाशित कर रहा है। बोला महाराज कपड़े से नहीं कर रहा है कपड़ा तो पहले भी जलाया ये तेल से प्रकाशित कर रहा है। महाराज को अवसर मिला बोले बेटा इधर आ जिस प्रकार यह तेल सरस है और प्रकाशित कर रहा है उस प्रकार जब तू भी तेल जैसा हो जाएगा तो पूरा आश्रम में प्रकाश होने लगेगा। सद्गुरु का शिक्षण वह दिन रहा और उस भगत में वो परिवर्तन हुआ कोई कुछ भी बोले वो तेल हो गया। सदगुरु की तपस्या सदगुरु का एक वाक्य हमारे जीवन में तेल का काम कर जाता है और प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। एक बिगड़े बच्चे को
दीपक के आश्रय में सदगुरु ने आश्रम के सभी सेवकों का प्रिय बना दिया। हम जहां भी रहें तेल जैसा हो, प्रकाश हो, सब तरफ प्रकाश होगा। ये किसी सदगुरु का शिक्षण है, परीक्षण है, समझना है। हम कहीं भी रहें चलते हैं। देखिए कल हमारे व्यास जी ये सब साथी लोग रात को बैठे थे, हम तो रात में थोड़ा आपस में मंत्रणा करते हैं कहाँ खड़े हैं क्या बोलते हैं। तो हमारे व्यास जी बोले कि सरकार यदि परिवार न होता तो हम कहाँ सब ये सब साथ साथ दुनिया घूम रहे हैं। मैंने कहा भैया परिवार के लिए कोई नहीं घूमता, सब अपने लिए घूमते हैं। मैं अपने लिए घूम रहा हूँ, आप अपने लिए घूम रहे हो। परिवार का तो बहाना है, आप लोग परिवार के लिए नहीं सत्संग कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। आपके सत्संग से परिवार का क्या होना है भाई। श्री महाराज जी की रचना है, सुनो, मैं बहुत गाता हूँ इसको। सबको प्यारा अपना आ, सबको कई बार सुत नहीं प्यारे, बित नहीं प्यारा, सुत नहीं प्यारे, बित नहीं प्यारा, नहीं प्यारे माँ बाप सब को प्यारा। वह दुनिया दौलत नहीं प्यारी, 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 जिसमें हो संता सब के प्रतिकूल हुआ दिखाई न पड़ना। हाँ, जो अपने काम का नहीं है आप जब देखो टपकाते हैं, चलिए चलिए चलिए। तन मन धन परिजन वह प्यारा, तन मन धन धन परि जन वह प्यारा, जिसमें सुख की इच्छा, जिसमें सुख की इच्छा, सब को प्यारा हर जीव सब सुखाविलासी। श्री महाराज जी बोलती है भिक्षु भो
हो पर भिखारी सुख हित भिखारी सुख भिक्षु भिखारी सुख हित करें पुण्य रूपाप सबको प्यारा सबको प्यार सबको इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।